उठ गई है। वालेकुम सलाम, वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इसका हल निकालती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी सेलों की जगह कहाँ है। आशा ने मुझे बताया कि मम्मा इसके सेल ऊपर की तरफ लगे हैं, तो अब मैं ज़रा निकालती हूँ इनको। फिर से ऑन हो चुके, मैंने अभी बंद किया था। वालेकुम सलाम, ये कहाँ जा रहा है भाई? हैं, ये भी उठ के बैठी हुई है। ओ मोहम्मद, इसको बंद करो। आशा, आशा बेटा आप इसके सेल निकाल दो, मैं ज़रा उसकी क्लास देख लूँ। आप इसके सेल निकाल दो। क्या चाहिए? बंद करोगे तो मैं उसकी क्लास, इस क्लास काफ़ी डिस्टर्ब होती है इसकी यार। वो फिर वो उल्टा है, वो सीधा नहीं कर सकता, फिर वो सीधा कर लेंगे वो। क्या हुआ है? इनको अभी नहलाया है मैंने, तो बस अभी बाल इनके थोड़े से ड्राई करने लगी हूँ, क्योंकि गीले बाल है, फिर एसी में बैठेंगी। क्रीम लगाई जा रही है, कौन सी लगाई है? ये वाली लगाओ, ये वाली लगाई है, पिंक वाली नहीं। फेस पे लोशन लगाई जा रही है। ये हो रहा है क्या? अब सिर्फ इसी की कमी थी कि झाड़ू भी दिया जा रहा है। ये देखिए, फुल सफाई हो रही है, फुल जिम्मेदारी उठाई हुई है घर की। अच्छा, नीचे झुक झुक के देखा जा रहा है कि नीचे क्या पड़ा जी। हो गई सफाई, हो गई सफाई, कर लिया आपने सफाई? अब इसको उठा के ना, ब्रश को जहां रखा था वहां रख दीजिए आप। उठाओ, शाबाश, वेरी गुड, जाओ रख के आओ। हो गई सफाई। आज इनके एग्ज़ाम्स का लास्ट डे था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। आज से इनकी वेकेशन स्टार्ट हो गई है। आयनाया मुझसे तब से पूछे जा रही है कि मम्मा मेरे मार्क्स कितने आए, मेरे मार्क्स कितने आए। तो मैंने कहा बेटा इनके इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, इतने जल्दी मार्क्स नहीं आएंगे। और आज थोड़ा ये भी रिलैक्स हुई हुई है बस, बाकी रिवीजन तो इनके साथ साथ वेकेशन में भी चलती रहेगी। यस, इतनी आसानी से बेटा पढ़ाई से जान नहीं छूटनी। यहाँ बना रही हूँ किरी के समोसे, अफ्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। इनाया यहाँ बना रही है रूह अफ़ज़ा, मम्मा की कर रही है हेल्प, और आयशा मेरी बना रही है यहाँ फ्रूट चाट। ये अच्छी खासी इसने काट ली है, वेरी गुड। ये भी मम्मा की हेल्प कर रही हैं। ये एप्पल मैंने इसको काट के दिए हैं, क्योंकि ये नहीं काट पा रही थी, तो मैंने कहा चलो ये बाकी अब आप खुद हैंडल करो। हैं आशा, बहुत हैप्पी हो रही हैं कि मम्मा ने मुझे काम दे दिया है, क्योंकि इसको बहुत शौक है किचन के काम में। मैं इसको खुद आने नहीं देती, पढ़ने नहीं देती किचन के काम में। मैंने कहा काफ़ी टाइम है बेटा, अभी इन कामों में ना पढ़ो, तो लेकिन इसको शौक बहुत है, तो आज इसका शौक पूरा हो रहा है। मम्मा जी हो गया है, अब क्या करना है? अब इसमें पानी पूरा भरो, यहाँ तक, ये जो निशान है ना, ये वाला निशान, यहाँ तक कोल्ड वाटर भरो वहाँ से, वो कूलर से। शाबाश, जो निशान मैंने बताया हो गया। इधर रखो, अब इसके अंदर मिक्स करोगी रूह अफ़ज़ा।
डालो, मिक्स करो, डालो और डालो बेटा। मिक्स करो। यस, आज अपने ही हाथों का बना हुआ पिएगी इनाया, रूह अफ़ज़ा है जी। जब मम्मा बनाती थी तो क्या कहती थी, यम्मी बना हुआ है मम्मा, और चाहिए और चाहिए। तो आज अपने हाथों का बना हुआ भी टेस्ट होगा। अब इनाया पूछेगी आयशा आपी से कि आयशा आपी कैसा बनाए हैं। अल्लाह मियाँ इन बेटियों के नसीब अच्छे करे, अच्छे घरों में जाएं, आमीन। बोल रही है आमीन, इनको खुद नहीं पता मैंने दुआ क्या दी है। बस इनको होता है कि अल्लाह मियाँ से जो दुआ मांगते हैं, अल्लाह मियाँ का जहाँ नाम आ जाए वहाँ आमीन बोलना है, तो इन्होंने आमीन बोल दिया। चलो इनको अपनी ही दुआ लग जाए, आमीन। बन गया जी, वेरी गुड। ये अब हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, ठीक है। फिर अब अफ्तारी में जब पापा पियेंगे तो पापा बताएंगे कि मेरी इनाया का हाथ कितना मीठा है। देखते हैं कि इनकी फ्रूट चाट कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह जी, अब कुर्बान हो रहा है बनाना आयशा के हाथों। वेरी गुड, आज पापा फ्रूट चाट खाते ही रह जाएंगे और कहेंगे कि मेरी आयशा ने बहुत अच्छी बनाई है। अब डल रहा है जी ऑरेंज जूस, यम्मी। अब डल रहा है चाट मसाला, देखते हैं कि अपने हिसाब से कितना डालती है। जी थोड़ी सी खजूर भी डल रही है फ्रूट चाट के अंदर, बहुत ही टेस्टी लगती है खजूर। अच्छा जी, मैं बना रही हूँ अफ्तारी के लिए मलाई बोटी, और उसके लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है हरा धनिया, लहसुन, अदरक मैंने ग्राइंड कर लिया था एक साथ ही, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही एक प्याली, एक प्याली मैं डालूँगी इसके अंदर फ्रेश करीम अलमराई की, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ लेमन का रस। अब मैं इसके अंदर डालूंगी एक टीस्पून अपने हिसाब से, आप लोग भी अपने हिसाब से मसाले यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरा। और अब मैं डालूंगी इसे काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च, एक चम्मच डालूंगी मैं सूखा धनिया, एक चम्मच डालूंगी मैं गरम मसाला, और मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी नमक हस्ब ज़ायका, और मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, ये दो चम्मच डाले हैं मैंने कॉर्नफ्लोर के, और इनको कर देना है मिक्स एक साथ। और जी मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूंगी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में, क्योंकि ये मैंने बनानी है कल की अफ्तारी की तैयारी मैंने की है, ये मैंने बनानी है कल। तो मैं इसको कवर करके अच्छे से इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, ताकि ये आराम से सॉफ्टली बन जाए, कल के लिए टाइम थोड़ा सा बच जाए। और मैंने थोड़ा सा, मुझे काली मिर्च कम लग रही थी तो मैंने फिर एक्स्ट्रा थोड़ी सी ऊपर से डाली है। बस अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूंगी और कल हम इसको एंजॉय करेंगे।
अच्छा जी, आज अफ्तारी में बन रही है मलाई बोटी जो मैंने रात से मैरिनेट करके रख दी थी। अब मैं इसकी तैयारी शुरू कर रही हूँ। इसको इस तरह से लगा के हमने इस तरह से इनको लगा लिए बोटियों को तमाम। अब हम जो है ना इनको और इसको ओवन की ट्रे पे रखेंगे। बाकी जो मिसाले हैं वो इस तरह से हम बोटियों के ऊपर लगा देंगे। इस तरह फ्रेंच फ्राइज भी बन रहे हैं। मलाई बोटी के साथ फ्रेंच फ्राइज भी। ये कब तक बन जाएंगे? बस थोड़ा सा है टाइम, रोटी में भी अभी टाइम है, बन जाएंगे। मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। हमारी अफ्तारी का टाइम हो चुका है और ये मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। समोसे और फ्रेंच फ्राइज और फ्रूट चाट आयशा ने बनाई, और ये रूह अफ़ज़ा जो आपको पता है कि इनाया ने बनाई। अब पापा इनाया देंगे आपने बनाया है? कमेंट्स। देखते हैं कैसा बनाया। वेरी टेस्टी, गुड जॉब। और इनाया जैन आयशा ने क्या बनाया? फ्रूट आयशा ने बनाई फ्रूट चाट। चलो फ्रूट चाट। चाट में देखता हूँ। टेस्ट आप करते हैं फ्रूट चाट। वेरी यमी डिलीशियस, यमी। यमी है। जबरदस्त बनी है, इनको जबरदस्त, गुड जॉब, गुड जॉब। और जैनब ने क्या बनाया? भी चखा दो ना, इनका भी तो रोजा था। कुल गेंद का एप्पल सामने ही रखा हुआ है। ये आपका रोजा। चले जी, आप मिलते हैं अफ्तारी के बाद। मैं भी थोड़ा सा खाना खा लूँ। दिस इज द हेड शोल्डर नी टॉस फोन गेम। ओके, सो द चैलेंज स्टार्ट नाउ। शोल्डर नी हेड टॉस, शोल्डर नी हेड शोल्डर नी टॉस हेड शोल्डर हेड शोल्डर नी टॉस हेड बेयर। आयशा इज विनर एंड द काउंट स्टार्ट। हेड शोल्डर नी टॉस, हेड शोल्डर नी हेड नी शोल्डर हेड फुट हेड शोल्डर हेड बेयर। बेयर कौन उठाता है? बेयर तो जैनब को समझ आता है, लेकिन जैनब बेयर में रह गई। नी शोल्डर हेड शोल्डर इन आई आउट अब शोल्डर नी टॉस हेड शोल्डर नी हेड शोल्डर हेड बेयर। अभी तक क्या खा ले मेरे तो पको 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 पको। मोहम्मद मोहम्मद मम्मा जी, ये देखिए मैंने हैप्पी हॉलीडे के लिए बनाया, मैं उधर रखूंगी। वाओ वाओ हैप्पी बेबा, हॉलीडे। हैप्पी हॉलीडेज। रोज इसको देख देख के एंजॉय करेंगी कि हॉलीडेज है। हॉलीडेज नहीं होगा तो मैं रख दूंगी। और ये जैनब क्या खा रही है? ये क्या? उठाओ उठाओ, नीचे नहीं गिराते, उठाओ।
खी उठ जाओ शाबाश उठ जाओ। इसे खेलते नहीं है, इसको खाते हैं। अपने हाथ के साइज से भी बड़ा एप्पल खा रहे हैं ये। और मैंने कहा मैं काट के देती हूँ तो गुस्सा करने लग गया, चिल्लाने लग गया कि मैं काट के नहीं दूँगा, तो पूरा दो। हो चुके हैं तो बफोर टाइम तो बेटाइम ही होता है। सहरी से पहले भी बखूर हो तो सहरी अच्छी होती है, अफतारी से पहले भी बखूर हो तो अफतारी अच्छी होती है। अदील साहब के लिए बखूर एनी टाइम होता है। और अब्बा अच्छा सहरी में क्या करना है बताएं मुझे, सहरी का टाइम होने लगा है। चाय पराठा खाना है, हैं चाय पराठा। मोहम्मद आओ गेम खेलें। बच्चों को ताकि हमारे साथ चैलेंज करें, हमारे साथ गेम खेलें। मामा गेम खेलें तो खेल ली, तो अब इनको थोड़ा फोन आ गया। मोहम्मद जल्दी से खेलो, मोहम्मद के साथ खेलो आप, मोहम्मद के साथ, मोहम्मद को भी खेलने दो थोड़ा सा। मोहम्मद के साथ भी खेलने दो पापा को थोड़ा सा। हट जाओ, मोहम्मद ड्रिफ्टर जो है ना उनकी काफी फेवरेट है। चलाना भी आएगी, ड्रिफ्टर में बैठ जाते हैं। हाँ कौन सा प्लेयर है जो ऊपर देख देख के गेम खेल रहा है? ये लो मोहम्मद को दो ना बॉल, मोहम्मद को दो। असल में इनको आप पता चल चुका है कि मेरी मूवी बन रही है, तो बस ये जो है ना ऐसे होता है। ऐसे मोहम्मद ये लो, मोहम्मद मोहम्मद बॉल 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 को किक करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हमारी सहरी की तैयारी हो चुकी है, अब हम सहरी करने लगे हैं। ये चाय पराठा और फ्राई एग के साथ। ये सहरी हो चुकी है, सारे काम भी हो गए हैं, सिमट गए हैं। ओके गुड बाय माई डियर फ्रेंड किचन जी। अच्छा जी सारे काम हो चुके हैं तो अब मैं मोहम्मद को सुलाने की तैयारी में हूँ। मोहम्मद जो है ना डेली मसाज करा के सोते हैं। इनकी मसाज जब मैं करती हूँ इनको काफ़ी सुकून मिलता है। इनकी रूटीन में ये टाइम टेबल सेट हुआ हुआ है कि ये सोने से पहले अपनी मसाज कराते हैं, और जैसे ही मैं करती हूँ तो इनको पुरसुकून नींद आ जाती है। और मेरी इवन के तीनों बेटियों को भी मैंने आदत डाली हुई है, वो जब एक्टिविटी करती हैं थोड़ा बहुत उनकी टांगों में पेन होना शुरू हो जाता है तो मैं उनकी ऑयल से मसाज कर देती हूँ अच्छे से। मैं दवाइयों की आदत मैंने बिल्कुल भी बच्चों को नहीं डाली है, ना पेन किलर की, ना पीपाडोल की, किसी चीज़ की भी मैंने के दवाई पिला दी और पेन दूर हो गया नहीं। मैं उनको अच्छे से मसाज ऑयल के साथ दे देती हूँ तो मेरी बच्चियाँ भी रिलैक्स हो जाती हैं। और मेरे मोहम्मद तो माशाल्लाह जैसे मैं इनकी मसाज शुरू करती हूँ ये पुरसकून नींद में चले जाते हैं माशाल्लाह, और काफ़ी इनको सुकून मिलता है। और इस तरह से थोड़ा मुझे भी सुकून मिल जाता है कि मेरा बच्चा रिलैक्स है। काफ़ी दिन ये चलते रहते चल चल के थक जाते हैं, और जितनी इनकी एक्टिविटी है उस लिहाज से मालिश बहुत ज़रूरी है। और रियाद के वेदर जैसे खुश के ड्राई है तो मैं बच्चे की नाफ में और नोज़ के आगे और सरसों का ऑयल लगाना नहीं भूलती हूँ, इनके तीनों बेटियों की भी मैं लगा। पहले असली की दुआ जो है।
वाला रब खैर वरहम वअंता खैरुर राहिम। ओके फ्रेंड्स, अब हम न्यू व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टाटा बाय बाय।